तो फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि जो भी 7 और 15 दिन का जो एप्लीकेशन है, लोन एप्लीकेशन, जो आपको सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर लोन प्रोवाइड करती 2000-3000, तो उनका हमें रिपेमेंट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन हो गई है, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड की है और बहुत सारे लोगों को जो लोन वाले बहुत ही गालियां देने शुरू किए है, तो उनके खिलाफ जो तमिलनाडु तेलंगाना पुलिस है, उन्होंने कार्रवाई भी की है, आप जानते होंगे। तो बहुत सारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर ने रिमूव भी किया है, तो उन जैसे एप्लीकेशन का हमें रीपेमेंट करना चाहिए कि नहीं, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राहुल बामले यूट्यूब चैनल, तो ही शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें कौन सा एप्लीकेशन का रीपेमेंट करना चाहिए। अगर आपने मान लो किशत के साथ लोन लिया होगा, कैशबिन के साथ लोन लिया होगा, तो हमें उनका रीपेमेंट करना चाहिए कि नहीं। हम सब लोग जानते हैं कि जो भी लोन कंपनी जो फ्रॉड थी, बहुत सारा आपको इंटरेस्ट लगाती थी, तो सबसे पहले हमें उन्हीं कंपनी का रीपेमेंट करना चाहिए जो आरबीआई का जो भी नियम था उसको अच्छी तरह से फॉलो करती हो। जिस वक्त हम किशत से लोन लेते हैं, किशत एक सॉफ्टवेयर है, आपको पता होगा अगर आपने लोन लिया होगा, तो जैसे हम 15 दिन के लिए लोन लेते हैं तो वहां पर उनका लोन एग्रीमेंट भी आ जाता है और हमें जीमेल के ऊपर लोन एग्रीमेंट मिलता है। तो जो कंपनी आपको लोन एग्रीमेंट प्रोवाइड करती है, तो हमें उनका पेमेंट करना ही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम अपना क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे, पेटीएम के जरिए चेक करेंगे, आपको पता होगा कि हम क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, क्रेडिट स्कोर के अंदर हमें अगर आपने किशत से 3000-5000 लोन लिया होगा तो वहां पर लिख कर आता है। किशत का जो पेरेंटल कंपनी है उसका नाम आप बाजू पे स्क्रीन पर देख सकते हो, इसी नाम से वो NFC रजिस्टर भी है। तो अगर आपने किशत से पेमेंट लिया होगा, लोन लिया होगा, तो आपको किशत का पेमेंट जरूर करना होगा। आप उसको पेमेंट नहीं करोगे तो आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं रहेगा। तो मेरा कहना है कि जो कंपनी आरबीआई के साथ रजिस्टर है उनका रीपेमेंट आपको करना चाहिए। तो आप कैसे जानेंगे कि कौन सी कंपनी आरबीआई के साथ रजिस्टर है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा या ऊपर आई बटन के ऊपर मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करो, उसके अंदर सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड डालो और आपका क्रेडिट स्कोर आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो उसके नीचे आपका जो भी रहेगा लोन ऑफ अकाउंट शो होता है, उसके अंदर जाओ और देखो कि आपने किन किन कंपनी से लोन लिया होगा। जो कंपनी आरबीआई के साथ रजिस्टर है, NFC कंपनी है, तो वहां पर शो होगा। अगर आपने मान लो कौन सा भी एक मतलब कैशबिन के साथ लोन लिया होगा और कैशबिन का नाम वहां पर नहीं आ रहा होगा, तो आप कैशबिन का लोन मत करो, रीपेमेंट मत करो। अगर आपने कैशबिन का रीपेमेंट नहीं किया, और भी बहुत सारी कंपनी है जो अभी प्ले स्टोर से रिमूव हो चुकी है, मैं आपको कहूंगा कि जो कंपनी प्ले स्टोर के साथ रिमूव हो चुकी है, प्ले स्टोर के अंदर थी लेकिन गवर्नमेंट ने रिमूव किया है, गूगल ने उसको रिमूव किया है, तो उनका पेमेंट आपको नहीं करना चाहिए। वो कंपनी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, वो कंपनी आपके ऊपर पुलिस केस कभी भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो इलीगल कंपनी है। और आप सब जानते हैं कि जो CBI ने उसके ऊपर रेड भी मारी है साइबर क्राइम वालों ने, तो सारी कंपनी बंद हो चुकी है, एक फ्रॉड है और उसके अंदर 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर के अंदर नहीं है, अभी रिमूव की है, वो फ्रॉड एप्लीकेशन है, उनका रिपेमेंट आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। मान लो अगर आप रिपेमेंट नहीं करते तो कंपनी क्या करेगी, तो कंपनी आपको कुछ नहीं करेगी, उनका डेटाबेस भी सब कुछ उठ चुका है। आपने देखा होगा कि यूट्यूब के अंदर उनका लाइव वीडियो आया था, जो भी उनके कंपनी के अंदर लोग गए थे जिन्होंने लोन लिया है, उन्होंने कंपनी का तोड़फोड़ किया था, उनका लैपटॉप उठाया था, तो उनके पास आपका कोई भी अभी डेटा भी नहीं है। अगर जिन कंपनी के पास आपका डेटा होगा तो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ आपको कॉल करेगी, आपके फ्रेंड को कॉल करेगी, घर वालों को कॉल करेगी। अगर आप ये सेंड कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी आपके रिश्तेदार को कॉल करे, तो आप चिंता मत करो, आप उसका रिपेमेंट मत करो। लेकिन आप इज्जतदार हो गए, मतलब कि आप नहीं चाहते कि ये कंपनी हमारे घर वालों को परेशान करे, तो आपको रिपेमेंट उनका करना होगा, क्योंकि ये कंपनी का के पास सारी हमारे जो डिटेल्स है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर जितना भी नंबर है वो सारे उनके पास सेव रहते हैं और वो बाद में सबको कॉल करेंगे। लेकिन याद रखो, 100 में से सिर्फ 40 कंपनियां कॉल करेंगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनी अभी परमानेंटली बंद हो चुकी है, उनके पास कोई स्टाफ नहीं आपके घर पर कॉल करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी है जो आपको कॉल करेगी, तंग करेगी, लेकिन आप उनसे नहीं डरोगे तो टेंशन मत लो। मान लो कोई कंपनी से आपने लोन लिया है, वो आपको बार बार कॉल करेगी, आपके रिश्तेदार को कॉल करेगी, तो आप डरो मत। अगर इस तरह को कॉल करेगी तो उनको बोलो कि ये कंपनी बंद हो चुकी है, फ्रॉड कंपनी है, मैं इसका रिपेमेंट नहीं करूंगा। तो आप सब आपका ग्रुप जो भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर जितना भी नंबर होंगे उनको अच्छी तरह से समझा देना कि मैंने इसे लोन लिया था, अगर कॉल भी आया तो उठाना मत, उन्होंने गाली दिया तो आप भी गाली दो। अगर आप ये कर सकते तो आप उनका रिपेमेंट मत करो, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ आपके घर वालों को कॉल कर सकते है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकती। और रही बात किश्त, आपको जो किश्त एप्लीकेशन है उसका रिपेमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो जो किश्त एप्लीकेशन का जो नाम है वो क्रेडिट स्कोर के अंदर दिखाई देता है। तो
तो मैंने आपको कहा कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, वहां पर क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करते हैं उसका वीडियो देखो। उसके अंदर अगर आपका जो भी आपने लोन लिया है उधार लोन से लिया होगा, बहुत सारी कंपनी है क्रेजी रूपी वहां से लोन लिया होगा, और उन कंपनी का नाम अगर क्रेडिट स्कोर के अंदर शो होता है तो आपको उनका पेमेंट करना होगा, क्योंकि वो आरबीआई के साथ रजिस्टर होती है। और मान लो अगर आपने और किसी कंपनी से लोन लिया है और उस कंपनी का नाम जो भी आपका क्रेडिट स्कोर है उसके अंदर नहीं आता, तो आप समझ जाना कि फ्रॉड कंपनी है, तो उसका रीपेमेंट मत करो। सिर्फ मैं आपको यही कहना चाहूंगा। तो फिर डरने की कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसी कंपनी वाले आपको परेशान करते तो उनका रिकॉर्डिंग करके रखना और रिकॉर्डिंग मुझे भेज देना, मैं हमारे चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा ताकि सारे लोगों को पता चल जाएगा कि उसका रिपेमेंट करना है कि नहीं करना। जो भी लोन कंपनी है वो आपको कुछ नहीं कर सकती, कुछ लीगल नोटिस भेजती है लेकिन ये सब फ्रॉड रहता है, कुछ नहीं रहता, वो आपकी पुलिस में शिकायत भी नहीं कर सकती, सिर्फ आपको गाली दे सकते हैं, आपके घर वालों को फोन कर सकते हैं, ये सब आप सेंड कर सकते हो, तो उनका रिपेमेंट मत करो क्योंकि सब फ्रॉड कंपनी। 7 दिन के लिए कोई लोन देता नहीं, 15 दिन के लिए लोन नहीं देता, ये सब आरबीआई के खिलाफ है, लेकिन क्या करें, हमने उन लोगों ने हमें पैसा दिया तो हमें भरना ही होगा। और मान लो फ्रेंड्स, अगर आपने उधार लोन से आपने लोन लिया होगा और उधार लोन तो अभी बंद हो चुका है, एप्लीकेशन प्ले स्टोर के साथ रिमूव हो चुका है, तो उधार लोन वाले जब भी कॉल करेंगे तो उनको बोलो कि जो भी पेनल्टी है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, मैं नहीं भरूंगा, जितने आपने पैसा दिया था वही भरूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें पैसा दिया था खर्चा करने के लिए, हमने खर्चा किया तो हमें भी जिम्मेदारी आती है कि हमें पैसा देना चाहिए। लेकिन मान लो अगर आपने 2000 लिया होगा और उधार लोन बोल रहे कि 3500 दो, 4000 दो, एक्स्ट्रा पैसा दो, तो जो भी पेनल्टी होगी या इंटरेस्ट होगा वो मत दो, उनको बोलो मैंने आपसे 2000 लिया था, आपका कंपनी इलीगल है तो मैं आपको 2000 आपके दे दूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा 1 रुपीज भी नहीं देगा, अगर आपको चाहे तो हाँ बोलो, नहीं तो मैं पेमेंट ही नहीं करूंगा आपको, जिसको भी कॉल करना है उसको कॉल कर सकते हो, तो ऐसा करने के बाद वो भी सेटलमेंट कर देंगे और जो भी पैसा लेता 2000 वो आपको आप उनको लौटा देना, ये एक अच्छा तरीका है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको जो भी शिकायत होगा वो नीचे कमेंट में जरूर करना, मैं आपके कमेंट का तुरंत ही रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। लास्ट देखने के बाद धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।